हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल एंड ऑपरेशंस ऑन द फाइल। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू फाइल सिस्टम डिस्कस किया था। तो जब भी हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें फाइल को समझना बहुत जरूरी है जो हम डेली बेसिस पे क्रिएट करते हैं। चाहे आप कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो, PDF, PPT, MP3, MP4, कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो, उन फाइल्स के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं या फिर उन फाइल्स के ऊपर क्या ऑपरेशन पॉसिबल है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ऑल्दो ये टॉपिक जो है बहुत ही सिंपल लेवल का है, लेकिन इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि हम लोगों को पता ही लगता कि हाँ यार, ये चीज पढ़ी तो हुई है, देखी तो हुई है, लेकिन एक्चुअल में इसके ऊपर क्वेश्चन हमने कभी सॉल्व नहीं किए। तो इस वीडियो में आपको इस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पता लग जाएंगे। सो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो देखो, फाइल सिस्टम से पहले आपको फाइल के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। तो फाइल क्या है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर आप कह सकते हो कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम फाइल के अंदर करते क्या है, like मैंने कोई डॉक फाइल बनाई, तो डॉक फाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने ओपन किया, ऑफिस में मैंने वर्ड ओपन किया, तो वर्ड के अंदर मैंने कोई फाइल क्रिएट की। अब उस फाइल में मैं कुछ डेटा ही तो डाल रहा हूं, या फिर उस फाइल में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ भी मैं उसमें डाल रहा हूं, तो दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। अब हम अगर बात करें कि उस फाइल के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कि फाइल सिस्टम आपको क्या ऑपरेशन अलाउ करता है, चाहे हम विंडोज की बात करें या फिर यूनिक्स या लिनक्स की बात करें, तो ऑपरेशंस जो है वो सेम ही है, लेकिन करते कैसे हैं, जो वे है उनको एग्जीक्यूट करने का वो डिफरेंट है। क्योंकि विंडोज जो है वो प्योर GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर है, लेकिन लिनक्स में हमारे पास जो है जनरली हम टर्मिनल पे काम करते हैं जहां पे हमें कमांड बेस्ड, ऑल्दो अब तो उसके ऊपर भी बहुत सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं जिसमें आपको ग्राफिकल जो है वो इंटरफेस भी मिलेगा, लेकिन जो जनरली हम काम करते हैं उसमें ज्यादातर टर्मिनल के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो विंडोज में तो हम जनरली क्या करते हैं, राइट क्लिक किया, सिंपली वहां पे न्यू की ऑप्शन आई, फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल एप्लीकेशंस है हमारे पास, ऑफिस है, ऑफिस के अंदर हम PPT या फिर कोई डॉक फाइल जो है, एक्सेल फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम फर्दर सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के टाइम जो है हम उसको नेम दे देते हैं और वो फाइल जो है वो, या फिर लोकेशन देते हैं कि कहां पे रखनी है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन पर्टिकुलर लोकेशन आप उस फाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो फाइल को जैसे ही आपने क्रिएट किया, क्रिएट करते ही उसके कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो जनरेट होंगे। मतलब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं मेटाडेटा। मेटाडेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा का मतलब क्या है कि हमने फाइल क्रिएट की, फाइल के अंदर लेट्स से मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स बनाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो नोट्स मैं बना रहा हूं वो तो हो गया ओरिजिनल डेटा, लेकिन जब उस फाइल को सेव किया तो उस फाइल को सेव करते ही मैंने क्या किया, कुछ एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है वो ऐड हो गए। वो आप करते क्यों, जैसे आपने कोई फाइल क्रिएट की, आपने राइट क्लिक करो विंडोज में और प्रॉपर्टीज में जाओ, तो प्रॉपर्टीज खुलते ही एक्चुअल में आपको क्या खुलेगा, एट्रीब्यूट्स, दैट इज कॉल्ड अ मेटाडेटा। मतलब डेटा से रिलेटेड जो डेटा, जैसे फाइल का नेम, आपने कोई नाम दिया फाइल को तो क्या नाम दिया, वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं सेव हो जाएगा। मेटाडेटा में एट्रीब्यूट्स जो है वो उसको हम बोलते हैं। एक्सटेंशन, फाइल का टाइप, फाइल का टाइप आपका चाहे PPT फाइल है, डॉक फाइल है, एक्सेल फाइल है, MP3, MP4, JPG, PNG, कोई भी फाइल है, ये एक्चुअल में हम क्यों यूज करते हैं, ताकि आप जो है आज के टाइम पे तो आप एक्सटेंशन जो है ना भी दो तब भी आप उसको सेव कर सकते हो, पहले आपको एक्सटेंशन देना जो है वो जरूरी था। मतलब फाइल सेव की .doc या .pdf आपको देना जरूरी था। अभी तो क्या होता है कि फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो ओपन करते टाइम जो है वो आपको बता देता है कि आप किस एप्लीकेशन के थ्रू इसको ओपन करना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे आप उसको ओपन कर सकते हो। तो टाइप ऑफ द फाइल इज व्हाट एक्चुअली एक्सटेंशन। आइडेंटिफायर जो है वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब जो नेम आपने दिया फाइल को, तो उस फाइल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नाम, जो एक आइडेंटिटी, एक जैसे हम कहते हैं कि मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो मेरा नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, मार्क्स है, सब कुछ है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मेरे को क्या दिया, रोल नंबर दिया या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, ताकि मेरे को आइडेंटिफाई कर सके। वो एक्चुअल में क्या होता है, आइडेंटिफायर। एक यूनिकली नंबर दिया जाता है हर एक फाइल को, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ना सब कुछ एक फाइल है, चाहे हम बात करें कोई भी, Everything is file for the operating system. Even keyboard, mouse, उनको भी क्या है, एक file की तरह ही वो manage करके रखता है. So each and everything is what? File for the operating system. तो obviously उनको identify करने के लिए वो क्या करता है, उनको एक name, unique number जो है वो provide करता है. Location,
लोकेशन ऑब्वियसली जैसे हम सी कॉलन हैश जो भी हम लोकेशन दे रहे हैं फाइल को एक पर्टिकुलर जहां पे फाइल जो है वो सेव है प्रॉपरली उसकी लोकेशन जो है वो देते हैं। ऐसी यूनिक्स और लिनक्स में बात करें यूनिक्स लिनक्स में स्पेशली लोकेशन जो है वो काफी मैटर करती है क्योंकि जब हम फाइल को फेच करते हैं तो हमें लोकेशन जो है वो प्रॉपरली पता होनी चाहिए लाइक रूट डायरेक्टरी से हमने किस डायरेक्टरी में जाना है फिर उस डायरेक्टरी में कहां पे गए फिर उसमें हमने कहां पे फाइल को स्टोर किया तो एक प्रॉपर पाथ जो है वो देना जो है वो बहुत जरूरी है ताकि हम प्रॉपर फाइल को एक्सेस कर सकें। साइज साइज ऑफ द फाइल कैन बी किलोबाइट्स हो सकता है मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स में फाइल हो सकती है सो साइज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। देन मॉडिफाइड डेट क्रिएटेड कब फाइल को क्रिएट किया कब मॉडिफाइड किया कब उसमें हमने चेंजेस किए वो सारी इंफॉर्मेशन परमिशन प्रोटेक्शन मतलब परमिशन का मतलब क्या है कौन फाइल को एक्सेस कर सकता है यूजर है ग्रुप्स है या फिर अदर्स हैं जैसे विंडोज में अलग है यूजर ग्रुप एंड अदर्स हमारे पास लिनक्स में होते हैं विंडोज में हम बात करते हैं गेस्ट यूजर है या फिर एडमिन है कौन इसको एक्सेस कर सकता है और फिर उसके ऊपर क्या परमिशन है हम डेटा को रीड कर सकते हैं राइट कर सकते हैं फाइल को या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं फुल कंट्रोल हमारे पास है या नहीं तो ये सारी जो कंट्रोल से रिलेटेड परमिशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअल में आपकी परमिशन या फिर प्रोटेक्शन ये आप जो है राइट क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज खोल लोगे ना वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जनरल इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटी के अलावा यहाँ पे कुछ एडवांस भी होती हैं एनक्रिप्शन कंप्रेशन एनक्रिप्शन मतलब कि क्या फाइल को हमने एनक्रिप्ट किया हुआ है मतलब ताकि सिक्योरिटी वगैरह उसके ऊपर हम इंप्लीमेंट कर सके कोई भी डेटा को इजीली रीड ना कर सके हम उसके ऊपर जो है वो कौन सी सिक्योरिटी या फिर कोई हैश फंक्शन मैंने अप्लाई किया है या फिर मैंने फाइल को कंप्रेस किया है क्योंकि फाइल को कंप्रेस करने का मतलब क्या है हम उसके साइज को डिक्रीज कर रहे हैं अनवांटेड स्पेस को हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एट्रीब्यूट्स या फिर आप कह सकते हो कि मेटा डेटा में स्टोर रहती है तभी इसकी वजह से क्या होता है ना कि लेट्स से अगर आपकी आपकी पास हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क का साइज है 1 टेराबाइट तो आप देखना कि पूरा का पूरा 1 टेराबाइट पूरा का पूरा 100% जो है वो कभी भी यूज नहीं होता डेटा को स्टोर करने में कुछ इंफॉर्मेशन जो है कुछ स्पेस हमारे पास जो है फाइल सिस्टम रखता है अपने पास ताकि वो मेटा डेटा को भी स्टोर कर सके क्योंकि अगर मेटा डेटा ही नहीं होगा तो फाइल को एक्सेस करना फाइल को फेच करना मुश्किल हो जाएगा तो इसीलिए मेटा डेटा को भी हम परमानेंटली स्टोर करते हैं डिस्क के अंदर तो ऑल्दो ये स्पेस बहुत कम लेता है लेकिन जितना भी ले रहा है हमने हार्ड डिस्क के ही अंदर जो है वो डेटा स्टोर करना है इससे रिलेटेड। देन रीडिंग द फाइल रीड करने का मतलब क्या है सिंपली डेटा को हमने चेक करना है उसमें हम कुछ भी जो है वो राइट मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं परफॉर्म कर रहे जैसे रीड ओनली मोड में हम फाइल को ओपन करते हैं हम पढ़ सकते हैं लेकिन हम उसमें कुछ चेंजेस जो है वो नहीं लेकिन अगर बात करें राइट की तो राइट में ऑब्वियसली मतलब डेटा के अंदर हम कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। देन अगर हम बात करें लाइक डिलीटिंग का मतलब क्या है कि फाइल को डिलीट करना अब फाइल को डिलीट करना और ट्रंकेट ये दो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। डिलीशन का मतलब क्या है कि लेट्स से आपके पास एक फाइल है आपने लेट से कोई डॉक फाइल बनाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपने कोई डॉक फाइल बनाई तो फाइल के अंदर लेट से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन जो है वो लिख दी अब जब आपने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया ना तो पूरी की पूरी फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी अलोंग विद द एट्रीब्यूट्स ये जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स भी क्या हो जाएंगे डिलीट मतलब मेटा डेटा भी डिलीट हो जाएगा और पूरा का पूरा जो फाइल के अंदर डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रंकेट अप्लाई किया तो ट्रंकेट के केस में क्या होगा कि जो फाइल के अंदर आपने पैराग्राफ लिखा है कुछ भी आपने लिखा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा लेकिन एट्रीब्यूट्स जो है मतलब फाइल का नेम फाइल का साइज फाइल का आइडेंटिफायर वो सारे के सारे डिलीट नहीं होंगे वो सारे के सारे एज इट इज है आप और जब उस फाइल को ओपन करोगे उसमें कुछ नहीं मिलेगा मतलब वो फाइल जो है वो पूरे का पूरा खाली हो चुकी है। हाँ आप उसमें अब कुछ और इंफॉर्मेशन डाल सकते हो लेकिन फिलहाल ट्रंकेट करने का मतलब है सिंपली डेटा को हमने वहां से डिलीट कर दिया लेकिन एट्रीब्यूट्स नहीं डिलीट किए वो अभी भी है। लेकिन डिलीटिंग ऑफ अ फाइल मतलब पूरा का पूरा डिलीट करना चाहे वो फाइल के अंदर डेटा है चाहे हम एट्रीब्यूट्स की बात करें सब डिलीट हो जाएगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। देन रीपोजिशनिंग रीपोजिशनिंग का मतलब क्या है कि लाइक हमारा जो रीड राइट हेड है लेट्स से मैंने फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट डाला ए बी सी डी ई 1 2 3 4 कुछ भी कंटेंट अब बाय डिफॉल्ट रीड राइट हेड जो है वो पहले डेटा जो भी पहली वैल्यू है उसके ऊपर पॉइंट आउट करता है रीड राइट मतलब रीड राइट हेड मतलब जहां से हमने डेटा को फेच करवाना है। अब कई बार क्या करते हैं कि लेट्स से मुझे स्किप करवाना है कुछ डेटा मैं चाहता हूं कि ये स्किप हो जाए मतलब ए बी सी डी ई जो है वो स्किप कर दिया
मतलब पॉइंटर आपका वन पे चला जाए या फिर पॉइंटर जो है आपका लास्ट वैल्यू पे चला जाए, तो ये एक्चुअल में होती है रीपोजिशनिंग करना रीड राइट हेड की। तो जैसे यूनिक्स में तो हम करते हैं इसको एलसीक कमांड है, एलसीक कमांड से सीक अंडरस्कोर एंड से सीक अंडरस्कोर स्टार्ट से हम क्या कर सकते हैं रीपोजिशनिंग कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में जो है फंक्शनैलिटी है किसकी, आपकी ऑपरेशंस है फाइल सिस्टम के अंदर, फाइल के अंदर जो फाइल सिस्टम अलाउ करता है यूजर को कि ये सारी चीजों को वो मैनेज कर सके। ऑल्दो इसके अंदर आपको लिनक्स में स्पेशली, क्योंकि विंडोज तो जीयूआई बेस्ड है उसमें तो कोई कमांड वगैरह है नहीं, लेकिन जैसे लिनक्स है तो उसमें क्रिएट करने के लिए हम टच कमांड है, कैट कमांड से हम क्रिएट करते हैं, रीड सिस्टम फाइल है, सिस्टम कॉल है उसमें राइट सिस्टम कॉल होती है, एलसीक जैसे मैंने आपको बताया डिलीट करना है, mkdir आपको कोई फाइल आपको कोई फोल्डर बनाना कोई डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir, और फिर अगर आपको डिलीट करना है तो अलग अलग उसके अंदर कमांड्स आती हैं। ये कमांड्स भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, तो इन कमांड्स के ऊपर भी मैंने जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन एंड फाइल एट्रीब्यूट्स। थैंक यू।